इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून को चुनौती दी गई है। इस मामले में केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया और केंद्र सरकार ने कहा है कि नए कानून पर रोक न लगाई जाए, इसका विरोध किया है, जो दूसरी तरफ से याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कानून पर रोक लगाई जाए, सरकार ने इसका विरोध किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि जो चयन पैनल है उसमें न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं होती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में जो एक कमेटी बनाई थी चयन की, उसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता को रखा गया था, लेकिन जब इस पर कानून बना तो सरकार ने चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मंत्री को वहां रख दिया और इस तरह से 3 सदस्यों की समिति में सरकार का 2-1 से बहुमत हो गया। इसी का विरोध किया गया है सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में, लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर चीफ जस्टिस मौजूद होते हैं चयन समिति में तो इससे यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र हो गया, उसकी स्वतंत्रता इससे उत्पन्न नहीं होती। यह भी कहा है कि उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, चुनाव आयुक्तों की क्षमता और पात्रता पर सवाल न उठाए जाए। याचिकाकर्ता राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है। ये काफ़ी अहम मसला है। आम चुनाव से ठीक पहले अभी 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इसी नए कानून के तहत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री का बहुमत होने से जो 2 अफसर चुनाव आयुक्त तय किए गए वही अंत में फाइनल हुआ और वही अधीर रंजन चौधरी ने माना भी। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी बहुत बाद में दी गई और इतने समय में मेरे पास उन बाकी अधिकारियों के बारे में जानकारी या जांच का कोई समय नहीं था। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि चुनाव आयुक्तों की क्या निष्पक्षता प्रभावित होती है अगर बहुमत सरकार का हो चयन समिति में।